सभी को नमन, सभी को वंदन। आज के 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की आप सबको शुभकामनाएं। पवित्र ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे, लंबे गहरे सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। विश्व प्रार्थना खड़े रहने की प्रारंभ स्थिति इस तरह से है। सामने देखिए, दोनों पैरों में 1 या 2 इंच का डिस्टेंस रहेगा, दोनों हाथ सीधे रहेंगे इस तरह से। अब हमें कंधों के व्यायाम करना है, पूरी सावधानी से सरलता से करेंगे गर्दन के व्यायाम, जिसमें हमें हाथ कमर पर रखेंगे। अभी हाथ कमर पे, दोनों हाथ कमरे बैठे बच्चे, मान समोरा है, श्वास थोड़ा मान खाली रखो, श्वास थोड़ा मान खाली, नाखून को छोड़ते हुए गर्दन नीचे आएगी, फिर सांस लेते हुए पूरा पीछे लेके जाएंगे गर्दन को, पूरा पीछे
दो बार कहेंगे सांसों को छोड़ते हुए, आगे झुकेंगे, थोड़ी कंठ को फिर रेस्ट करेंगे, फिर सांस लेते हुए गर्दन पूरी पीछे जाएगी, फिर सांस छोड़ते हुए सामने। एक पहला प्रकार हमने किया, अब हम करेंगे दूसरा प्रकार। इसमें सावधानी यह है, जिन्हें सर्वाइकल खतरा से वो ज्यादा आगे गर्दन को ना झुकाए, ये सावधानी है। दूसरा प्रकार हम करेंगे, जिसमें हमें गर्दन को दाएं खंधे पे झुकाना है, तब डावे खंधे पर झुकवाए सर, लेफ्ट साइड। फिर सांस लेते हुए राइट करते झुकेंगे, गर्दन धीरे धीरे से आराम से तेज से करना है, राइट साइड। फिर सांसों को लेते हुए आराम से बीच में सीधे फिर लेफ्ट को गर्दन लेके जाएंगे। फिर सांसों को लेते हुए बीच में फिर एक बार करेंगे राइट को, आराम से तहज से करेंगे, पूरा ध्यान पूर्वक करेंगे सांस लेते हुए सामने। अब हम का, जिसमें हमें गर्दन को घुमाना है, इतना घुमाना है कि लेफ्ट कंधे के समांतर हमारी थोड़ी आ जाए। चलो सांसों को छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट को घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे, सिर्फ घुमाना है, सर्कल का बाद में है, सिर्फ इस तरह यहाँ तक सर, यहाँ तक घुमाना है, यहाँ तक घुमाना है, लेफ्ट और राइट। हमने किया कंधों को इस तरह से घुमाया, लेफ्ट एंड राइट करेंगे। चलो शुरू करेंगे, गर्दन को लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे, कंधे के समांतर थोड़ी आ जाएगी, फिर सांस लेते हुए बीच में अब हम राइट को घुमाएंगे। पूरा इस स्थिति में हमें थोड़ा सा स्थिर रहना है, फिर सामने फिर एक बार करेंगे लेफ्ट को, पूरे आराम से सहजता से करेंगे, लेफ्ट से फिर सामने अब राइट पे जाएंगे, आराम से सहजता से राइट, पूर्व स्थिति में सामने। अब हमें करना है, अभी आपको गर्दन को पूरा घुमाना है, आराम से घुमाना है, पूरा पीछे राइट कंधे के ऊपर, राइट कंधे से सांसों को छोड़ते हुए आगे, पूरा सर्कल है बना है, पूरा चक्कर बना रहा है, सांस छोड़ते हुए नीचे सांसों को लेते हुए पूरा चक्कर। अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, सांसों को छोड़ते हुए फिर एक बार राइट कंधे से पीछे, पूरा पीछे लेफ्ट कंधे के ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए एक चक्र बाद दूसरा चक्र करेंगे, सांस लेते हुए पूरा पीछे जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए सामने। ये गर्दन के हमें चार व्यायाम। अब हम करेंगे कंधों पे व्यायाम, इसे बोलते हैं कंधा खिंचाव। हाथ कमर पर, अभी हम प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, प्रारंभिक स्थिति जो है यह है प्रारंभिक स्थिति। अब हम कंधों के व्यायाम करेंगे, जिसमें कंधा चालन बोलते हैं, जिसे हम कंधों को खिंचाव देंगे। बाजू से सामने हाथ, बाजू से ऊपर आएंगे, इतने ऊपर आएंगे कि हाथों के तलवे पे विपरीत दिशा में, बाहर की दिशा में, हाथाचे पंजे बाहरच्या दिशेला है, दोन्ही हाथ समांतर आहे, हाथाचे दंडोळे कानाला टेकलेले आहेत। या स्थितीमध्ये आपल्याला स्थिर थांबायचं आहे, इससे स्थिर हमें रहना है। अभी सांसों को छोड़ते हुए आराम से दोनों हाथ आराम से नीचे आएंगे, बहुत बढ़िया। फिर एक बार करेंगे, चलो सांस लेते हुए श्वास खेत तो दोनों हाथों वरती, हाथांचे तळवे बाहेरच्या दिशेला, खांद्यावर पूर्ण ताण आलेला आहे, पुन्हा श्वास दोन्ही हात समांतर अर्धवर्ध खाली जाण्याचे, एक कंध खिचाव। हा करेंगे कंध चलन, खांदे फिरवायचे, खांद्यांचा व्यायाम आहे,
पूर्व स्टेट में आ रहा है, दोनों हाथ बाजूला घ्या, दोन्ही हात समांतर बाजूला, हाताचे तळवे आकाशाच्या दिशेला फिरायचे आहे, दोन्ही हात कंदोकडे रखायचे, दोन्ही कोहण्या सामने आणायचे, दोन्ही कोपर छाती समोर ठेवायचे, आता मोठं वर्तुळ करायचं आहे, आपला श्वास थे पूरा सर्कल करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे फिर एक चक्र करेंगे, सांस लेते हुए पूरा सर्कल आराम से सहजता से करेंगे, फिर सामने कोहनी आएगी तो क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज विरुद्ध दिशा पे एक चक्र करेंगे, फिर एक बार दूसरी बार दूसरा चक्र करेंगे, दोनों कोहनियां सामने आएगी, अब हाथ बाजू में लेंगे, अब पूर्व स्थिति में आएंगे, हाथों के तले जमीन की तरफ हाथ नीचे, यह कंध संचालन, कंधों के व्यायाम करने के लिए। अब हमें करना है आगे है कटी चालन, कटी है कमर, कमर के जो व्यायाम है वो हम करेंगे, कटी चालन है कमर को हमें घुमाना है, अब हम पूर्व प्रारंभिक स्थिति में आए हुए, यह प्रारंभिक स्थिति, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, अब हम लेफ्ट की तरफ दोनों हाथ लेके जाएंगे, लेफ्ट की तरफ दोनों हाथ, लेफ्ट हैंड के कंधे के ऊपर, राइट हैंड का हाथ का पंजा इसमें देखिए सामने, थोड़ी कंधे राइट कंधे के ऊपर इस तरह, पीछे मुड़ के आपको देखना है, पीछे मुड़ के देखेंगे, इस स्थिति में हमें स्थिर रहना है, फिर सांसों को लेते हुए सामने, दोनों हाथ पैरों के सामने आएंगे, हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, चलो दोनों हाथ राइट जाएंगे, राइट कंधे पे लेफ्ट हैंड आएगा और पूरा पीछे जाएंगे, राइट कंधे के ऊपर थोड़ी समांतर आएगी, पीछे देखना है, इस स्थिति में हमें स्थिर रहना है, फिर सांसों को लेते हुए सामने, यह कटी चार हाथ नीचे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अधिकार अभिनंदन। अब हम आगे जा रहे हैं घुटना संचालन, तो घुटनों के लिए व्यायाम है, चुने ज्यादा दर्द है घुटने का वो थोड़ा सा आराम से करें, जिनको अर्थराइटिस अर्थराइटिस है या उनका वेट ज्यादा है थोड़ा सा संभाल के कीजिए, आप सभी करेंगे घुटना संचालन। अब आप प्रारंभिक स्थिति में आ रहे हैं, प्रारंभिक स्थिति दोनों हाथ सामने आएंगे, समांतर हाथों के तलवे जब जमीन की तरफ लीजिए, अब सांसों को छोड़ते हुए इतना नीचे जाना है, ऐसी कल्पना करें हम कुर्सी पर चेयर पे बैठे हैं, चलो सांसों को छोड़ते हुए नीचे आए, अपना बैलेंस संभालते हुए किए, इस स्थिति में स्थिर रहिए, रहना है, देखना है हम कितना स्टेबल रह सकते हैं, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर एक बार करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए आराम से बैठिए, एक स्थिति में रुकना है, एक कल्पना करना है चेयर पे बैठे हैं, थोड़ा सा बैलेंस कर रहा है, फिर सांसों को लेते हुए आराम से ऊपर आएंगे, यह है घुटना संचालन पूर्व स्थिति में, ये सब है शिथिलीकरण के व्यायाम हमने किए हैं। अब हम करेंगे खड़े होकर करने वाले जो आसन है उसका अभ्यास करेंगे, पहला आसन है ताड़ासन, इसमें क्या होता है हमारी एकाग्रता बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है आसन है, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ये बहुत बढ़िया है ताड़ासन, इसका अभ्यास करेंगे, प्रारंभिक स्थिति आएंगे सब हमारे प्रारंभिक स्थिति में, तब हमें दोनों हाथ सामने लेने हैं, दोनों हाथ सामने, हाथों की उंगलियां ब्लॉक करनी है, अब हाथों के पंजे विपरीत दिशा बाहर दिशा में लेंगे, सांसों को छोड़ते हुए ऊपर आएंगे, अब सांस लेते हुए हमारे पंजों पे आना है, एड़िया ऊपर उठाने पंजों पे आना, इस स्थिति में रुकना है, बैलेंस करना है, कंधों का पूरा खिंचाव आएगा उसे करना है, फिर आराम से एड़िया रेस्ट करेंगे जमीन के ऊपर और हाथ सिर के ऊपर, फिर एक बार करेंगे, चौथ सांसों को लेते हुए पूरा ऊपर उठाएंगे हाथों को, पंजों पे आएंगे, एड़िया जमीन से उठी हुई नजर सामने, स्थिर रहने की कोशिश करनी है, फिर सांस को छोड़ते हुए आराम से एड़िया जमीन पर रेस्ट करेंगे, दोनों हाथ सामने आएंगे, दोनों हाथ सामने, हाथ नीचे, यह है ताड़ासन।
बहुत सुंदरता से आप आसन शिथिल करके व्यायाम कर रहे हैं। आप हम आगे जाएंगे वृक्षासन। वृक्ष की जैसा स्थिर हमें रहना है तो हम करेंगे वृक्षासन। राइट पैर को ऊपर उठाएंगे। राइट पैर को ऊपर उठा के लेफ्ट घुटने के ऊपर जंघाओं पर रखेंगे। दोनों हाथ बाजू से आराम से ऊपर लेके जाएंगे। हाथ पे तल में आकाश की तरह फिर नमस्कार स्थिति में पूरा आराम से करिए। एक पॉइंट पे लक्ष्य केंद्रित कीजिए और स्थिर रहने की कोशिश कीजिए। इससे एकाग्रता बढ़ने के लिए बहुत अच्छा ये आसन है। फिर सांसों को छोड़ते हुए आराम से पूर्ण स्थिति में आएंगे। हाथ नीचे। अभी लेफ्ट पैर को उठाना है और राइट घुटने के ऊपर राइट जंघाओं के अंदर की भागों में प्रेस करना है। फिर दोनों हाथ बाजू से उठाएंगे। नमस्कार स्थिति में आएंगे। अपना बैलेंस संभालते हुए करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन। सांसों को छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ नीचे। यह हमने किया वृक्षासन। अब हम करेंगे पाद हस्तासन। जिनको कमर दर्द ज्यादा है वो आगे ना झुके और जिनको हर्निया जैसे प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा पीछे ना झुके। बाकी आप सभी कर सकते हैं। चलो प्रारंभिक स्थिति में आएंगे। यह है प्रारंभिक स्थिति। दोनों हाथ सामने से पूरे पीछे उठाएंगे। दोनों हाथ सामने से पाद हस्तासन हम कर रहे हैं। पाद यानी पैरों को हस्ते हाथों से कोशिश करनी है अंगूठे पकड़ने की। स्थिति में थोड़ा सा रहना है। रीढ़ की हड्डी पर जो स्ट्रेस आ रहा है उसे सहन करना है। फिर सांसों को लेते हुए पूरे आराम से ऊपर आएंगे। फिर सांसों को छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। इतना नीचे झुकना है हाथों की तलवे जो है वो जमीन पर रेस्ट करे। कोशिश कीजिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। कोशिश करनी है आराम से करना है सहजता से करना है। फिर सांसों को लेते हुए ऊपर और बाजू से हाथ नीचे आएंगे। यह है पादहस्तासन। अब हम आगे जाएंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में सावधानियां जो है जिनको वर्टिगो है चक्कर आते हैं वो पीछे ना झुके। जिनको पेट का अल्सर का कोई ऑपरेशन हुआ है हार्निया का प्रॉब्लम है जो पीछे ना झुके इससे सावधानी करें। फिर हम करेंगे अर्ध चक्रासन। चलो दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। दोनों हाथ कमर पे अंगूठे पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी को रेस्ट करेंगे। सपोर्ट देंगे अंगूठे से। उंगलियां आगे की तरफ रहेंगी। अब सांसों को लेते हुए जितना हो सके उतना आराम से पीछे झुकना है। गर्दन आकाश की तरफ नजर आकाश की तरफ जितना हो सके उतना। फिर सांस लेते हुए बीच में आएंगे। तो आराम से कीजिए। फिर एक बार करेंगे। आराम से जितना हो सके उतना। अतिरिक्त ताण रहता नहीं है समझ कर रहता है अलग अलग कर रहता है बिना श्वास के। दोनों हाथ बाजू डाल। यह है अर्ध चक्रासन। अब हम करेंगे खड़े होकर करने वाला लास्ट का जो आसन है उसका नाम है त्रिकोणासन। हमारे शरीर की आकृति त्रिकोण जैसी होती है इसलिए इसे त्रिकोणासन कहा गया। तो पूरा प्रारंभिक स्थिति में आप सभी हैं। अब हम लेफ्ट पैर को उठा के 3 फीट के ऊपर रखेंगे। जितना हो सके उतना डिस्टेंस लेंगे। दोनों हाथ बाजू में समांतर हाथों के तले सामने की तरफ रहेंगे। दोनों हाथों के तले सामने की तरफ। अब लेफ्ट पैर जो है उसको 90 डिग्री घुमाना है। लेफ्ट पैर को 90 डिग्री में घुमाएंगे। लेफ्ट हाथ नीचे लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ नीचे राइट हाथ ऊपर समांतर रहेगा। डावा हाथ एवढा खाली घेऊन जायचा आहे पायाच्या घुट्यापर्यंत जाईल पायाच्या पंजापर्यंत जाईल। उजवा हात वरती आहे। उजव्या खांद्याच्या सरळ रेषेमध्ये हनुवटी आहे। नजर वरती उजव्या हाताच्या अंगठ्याच्या वर ठेवायचे।
श्वास के फिर सांस को लेते हुए अब लेफ्ट पैर वो स्थिति में आएगा, राइट पैर को घुमाएंगे, राइट पैर को घुमाएंगे, पंजों को 90 डिग्री में घुमाएंगे और राइट साइड में झुकेंगे, आराम से सहज से झुकेंगे। राइट हाथ राइट पैर के पीछे आएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर है, दोनों हाथ समांतर है, नजर ऊपरी दिशा में, ऊपरी हाथ की दिशा में स्थिति में है, स्थिर रहना है। फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, हाथों के तले जमीन की तरफ पैर उठा के प्रारंभिक स्थिति में, यह है त्रिकोणासन। ये सब हमने खड़े होकर की योग आसन का अभ्यास किया है, अब हम करेंगे बैठकर करने वाले आसन। तो आप सभी को बैठना है, बैठ जाइए। बैठकर करने वाले जो आसन है उसमें प्रारंभिक स्थिति जो है वो दंडासन की है। तो दंडासन कैसा हो देखेंगे, दोनों हाथ सामने खोलेंगे, दोनों पैर सामने खोलेंगे, दोनों हाथ इस तरह से बाजू में रखेंगे, कोहनिया सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, नजर सामने, यह है दंडासन। अब हमें इसमें रिलैक्स होना है कि दोनों हाथ पीछे लीजिए और इस तरह से रिलैक्स हो जाइए। जो आपने खड़े होकर जो आसन किया है उसकी थकान जाने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, गर्दन पीछे झुकानी है और थोड़ा सा रिलैक्स करना है हमें, शरीर को थोड़ा सा शिथिलता देनी है, तनाव रिलीज करना है। फिर दंडासन में आएंगे विश्राम। अब आगे का जो आसन का यह है दंडासन में, यह है पूर्व प्रारंभिक स्थिति है बैठकर करने वाले आसन की। तब हमें दोनों पैरों को पंजों को दोनों घुटने को जमीन की तरफ लेस के जाने के लिए जितना हो सके उतना, जैसे साथ बटरफ्लाई करते हैं ना उसी तरह से, सिर्फ स्थिर रहना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, यह है भद्रासन। और फिर प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, दोनों पैर सामने करेंगे, दोनों हाथ बाजू में। अब हम आगे जाएंगे जिसमें है वज्रासन करेंगे, जिसमें जिनको घुटने का दर्द ज्यादा है फिर राइट पैर को फोल्ड करें, एरिया बाहर की तरफ रहेगी, पैरों के उंगलियां अंदर की तरफ, इस तरह से बैक पोस्चर आप देखेंगे। और पैरों के ऊपर आपको बैठना है, एरिया बाहर की तरफ, पंजे अंदर की तरफ, हाथ घुटनों के ऊपर, आने के बाद भी कर सकते हैं। हम जो अन्न लेते हैं उसका अच्छी तरह से डाइजेशन होने के लिए ये वज्रासन हम कर सकते हैं। खाना खाने के बाद, टीवी देखते समय, पेपर पढ़ते समय, ये वज्रासन हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो हम आगे की आसन में जाएंगे, आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है। लेफ्ट पैर सामने लेंगे, फिर राइट पैर सामने लेंगे, दंडासन में आएंगे, फिर प्रारंभिक स्थिति में दंडासन में। अब आगे दो आसन करने वाले हैं वो पूरी सहजता से कीजिए, उसका नाम है अर्ध उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन। जिन्हें हरियाणा जैसे प्रॉब्लम्स है वो आप पीछे ना देखने की सावधानी ले, जितना हो सके उतनी सावधानता से करें। उष्ट्र है ऊंट, ऊंट की भांति अपना शरीर की रचना होती है, इसलिए उसे आसन को कहा गया है उष्ट्रासन। इसे पूर्ण उष्ट्रासन और अर्ध उष्ट्रासन, होल्ड करके
अब हमें आराम से घुटनों के ऊपर खड़े रहना है, आराम से घुटनों के ऊपर खड़े रहेंगे। दोनों हाथ बाजू में है, अभी दोनों हाथ कमर पर रखेंगे और दोनों हथेलियों से कमर को इस तरह से सपोर्ट करेंगे। इस तरह से कमर को हमें इस तरह से सपोर्ट देना, और सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे जितना हो सके, आराम से सहजता से जितना हो सके पीछे झुकना है। सांस लेते हुए इस स्थिति में रुकेंगे, फिर सांसों को छोड़ते हुए फिर सामने एक बार आराम से करिए। सांसों को लेते हुए जितना हो सके आराम से सहजता से पूरे हड्डी पर जो स्ट्रेस है उसे सहन कीजिए। फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और फिर वज्रासन में बैठेंगे। यह है अर्ध उष्ट्रासन। अभी कोशिश कीजिए जिनको हो सके उतना कीजिए पूर्ण उष्ट्रासन। तो फिर भाई एक बार हम वज्रासन में बैठेंगे और फिर दंडासन में आएंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने उष्ट्रासन का अभ्यास किया हुआ है, अर्ध उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन। अब हम आगे जा रहे हैं, उसका नाम है आसन का शशंक आसन। हमारे शरीर की आकृति शशंक जैसी होती है, शशंक यानी सतह, सतह की जैसी होती है, इसलिए नाम दिया है शशंक आसन। तो हम वज्रासन में बैठेंगे, लेफ्ट पैर को फोल्ड कीजिए फिर राइट पैर को फोल्ड कीजिए, वज्रासन में बैठेंगे। दोनों घुटनों में डिस्टेंस लेंगे, दोनों घुटनों में डिस्टेंस लेंगे, दोनों हथेलियां जमीन पर, दोनों जंघाओं के बीच में। अभी सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ, हाथों को पैरों की घर्षण करते हुए आगे सांसों को छोड़ते हुए झुकना है। कितना झुकना है, हाथों के तले जमीन पर रेस्ट किए हुए, हाथों की कुंडलियां जमीन पर रेस्ट हुई है, थोड़ी को जमीन को रेस्ट करना है। सांस छोड़ते हुए पीछे आगे झुके हैं, कुंडलियां जमीन पे टिकी हुई, हथेली जमीन पे टिकी हुई, थोड़ी जमीन पे टिकी हुई। फिर सांसों को लेते हुए आराम से हाथों के दर्शन करते ही शरीर के पास लेके आना। यह है शशंक आसन। अब हम इसी तरह से बैठेंगे। आगे का आसन है उत्तान मंडूक आसन। मंडूक यानी बेडूक, मंडूक की आकृति होती है इसलिए मंडूक आसन इसको बोला है उत्तान मंडूक आसन। दोनों पैरों में डिस्टेंस ले जाए, दोनों पैरों में डिस्टेंस लिया हुआ है, दोनों हाथ घुटनों के यह है उत्तान मंडूकासन का अभ्यास आप सभी ने किया हुआ है। अब हम करेंगे, अब आएंगे दंडासन। प्रारंभिक स्थिति में जो बैठ बैठकर करने वाले जो आसन है वह इसमें प्रारंभिक स्थिति है दंडासन की। दोनों पैर सामने, अगर आपको रिलैक्स होना है तो हाथ पीछे लेके थोड़ा सा गर्दन को पीछे लेके थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा शरीर का कुछ शिथिल कर लेंगे, आराम लेंगे और फिर से आगे की आसनों के लिए सज्ज हो जाओ। अब हम आगे के आसन करेंगे जिसका नाम है वक्रासन। दंडासन में है, लेफ्ट पैर को घुटने में से फोल्ड करके इस तरह से रखिए, लेफ्ट पैर को घुटने से फोल्ड।
राइट हैंड प्रारंभिक स्थिति में, लेफ्ट हैंड प्रारंभिक स्थिति में, दोनों पैर सीधे हैं। वक्रासन एक आसन है जिसमें अपने जो पैनक्रियाज है इसके ऊपर प्रेस डाला जाता है, प्रेस होता है, और उसमें से नेचुरल इंसुलिन का सिक्रेशन होने की मदद होती है। शुगर पेशेंट के लिए वक्रासन, मंडूकासन ये दो आसन है तो बहुत जरूरी है। नेचुरल इंसुलिन का सिक्रेशन होता है पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है। तो हम राइट पैर फोल्ड करके लेंगे, लेफ्ट से लिया राइट पैर फोल्ड करके लेंगे, लेफ्ट हाथ को ऊपर उठा के राइट घुटना और छाती से बीच में लाएंगे, डावा हाथ घुटना छाती से मरने के ऐसे हाथ पूर्ण पाठीमागे हनवटी उद्व्या हाथाचा उद्व्या खांद्याच्या सरळ रेषेमध्ये पाठीमागे वळून बघायचं आहे। पीछे देखेंगे स्थिति में हम रुकेंगे अपने क्षमता को, फिर सांसों को लेते हुए लेफ्ट हैंड राइट हैंड प्रारंभिक स्थिति में पैर सीधे, ये है वक्रासन। ये सब बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास हमने किया, पहले किया दंडासन, के बाद भद्रासन, वज्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, शशंकासन, उत्तान मंडूकासन और वक्रासन। ये बहुत अच्छी तरह से अपने आसनों का अभ्यास किया है। आप सभी का फिर से एक बार अभिनंदन, और हम आगे की तरफ जाएंगे पेट के बल करने वाले आसन के ऊपर मकर आसन। अब हमें पेट के बल आना है, पोटावर झोपायचं है, पोटावरच्या आसनामध्ये मकर आसन काम करणार आहोत। मकर म्हणजे मगर, मगरीसाठी आपली शरीराची रचना होते म्हणून याला मकर आसन म्हटले। दोनों पैरों में अंतर रहेगा, एड़िया अंदर की तरफ, पैरों के पंजे बाहर की तरफ, दोनों पैरों में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस है। लेफ्ट हैंड के तले के ऊपर राइट हैंड रखें और गर्दन को राइट साइड में रखेंगे आराम से, सहजता से माना डावे साइड में झुक लेंगे। दोनों ही पैर मध्य अंतर टापना, अपने बाजूला बाहर से पंजे, बाहर से बाजूला मकर आसन मध्ये आपण रिलॅक्स होत आहोत। दोन्ही पाय जुळवून घ्यायचे आहेत, दोन्ही हाताचे पंजे शरीराच्या जवळ घ्यायचे आहेत। आपण हम करेंगे अभी भुजंगासन। रीढ़ के हड्डी के लिए बहुत बढ़िया है, सी डिस्क को जो कमर दर्द है उनके लिए बहुत अच्छा ये भुजंगासन है। दोनों हाथ थोड़ी जमीन पे टिकी हुई, दोनों हाथ बाजू में, कोहनिया जमीन पर रेस्ट हुई हुई, हथेली और कोहनिया दोनों जमीन पर, हनवटी जमीन पर रहेगी। अब सांसों को लेते हुए ऊपर उठेंगे, सांसों को लेते हुए नाभि तक हमें अपने शरीर को ऊपर उठाना है, और सिर्फ नाभि तक, सामने देखिए कोहनिया जमीन पर है, हाथों के तलवे जमीन पर है, सिर्फ नाभि तक हमें ऊपर उठाना है, आकाश की तरफ देखना है। इस तरफ से थोड़ा सा रुकना है, कमर पे आया हुआ स्ट्रेस को सहन करना है, फिर सांसों को छोड़ते हुए आराम से नीचे आएंगे। चलो बहुत बढ़िया, फिर एक बार करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, एक वन ऊपर रुकेंगे, फिर सांसों को छोड़ते हुए आराम से नीचे आएंगे। अभी भुजंगासन का दूसरा प्रकार हमें करना है, पर हाथों को पंजों को थोड़ा शरीर की तरफ लीजिए पीछे, और अभी कोहनिया उठेगी और नाभि तक का भाग हमें ऊपर उठाना है। चलो सांस लेते हुए ऊपर, अभी कोहनिया उठी हुई है, नजर आकाश की तरफ, इस स्थिति में हमें थोड़ा सा अपने क्षमता से रुकना है, फिर सांसों को छोड़ते हुए आराम से नीचे। अब हम करेंगे आगे का आसन शर्वासन। दोनों पैरों सीधे रहेंगे, हाथ जंघाओं के नीचे रखना है, हाथों के पाय गुंठ्यात वाकवायचे नाही, दोन्ही पाय सरळ असतील, हनवटी जमिनीवर टेकलेली लक्षणातून असा ताण पुन्हा श्वास लो, दोन्ही पाय हळूवार अलगद खाली घेऊया, पायाला झटका देऊ नका, अलगद टेकू। चला पुन्हा एकदा करूया,
फिर से करेंगे शर्वासन, सांसों को लेकर भी ऊपर, दोनों पर ऊपर आएंगे, स्थिति में रुकेंगे, फिर शांतम को छोड़ के आराम से दोनों पर नीचे शर्वासन। तब हम दाई करवट लेके पीठ के बल आएंगे, डाव्या उशीरो डाला पाठीवर होगा, पोटावर शासन चा अभ्यास। कमर और पीठ को ऊपरी तरफ से उठाना है और भार अपना पूरा पैर और कंधे के ऊपर आ जाएगा। ये ब्रिज जैसी स्थिति अभी इसमें हम देख रहे हैं, सभी ने बहुत अच्छा आसन किया है, सेतु बंधासन, जिसको हर्निया है, पीठ में ज्यादा दर्द है, वो आसन ना करें, बाकी सब साधक ये आसन कर सकते हैं। धीरे से अभी श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को लेते हुए कमर को जमीन पे लेना है, इसको और एक बार दोहराएंगे, फिर एक बार कमर को ऊपर उठाए, सामने बहुत ही अच्छा अच्छी तरह से यह आसन किया है। फिर पूर्व स्थिति में आइए, पैर को सीधा कर लीजिए, विश्राम। इसके बाद दूसरा आसन है जिसका नाम है उत्तान पादासन। ये जो आसन है, ये आसन करने के लिए आपको दोनों हाथ को जांघों के बाजू में रखना है और धीरे से श्वास को लेते हुए दोनों पैर आपको खाली 30 डिग्री में ऊपर उठाना है। श्वास को छाती में भरते हुए ऊपर उठाइए, वेरी गुड, 30 डिग्री में घुटने में न मोड़ते हुए, अभी श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैर को जमीन पे लाना है और एक बार करेंगे, दीर्घ श्वास लीजिए, सांस लेते हुए पैर को उठाए, 30 डिग्री में, खाली 30 डिग्री में, ज्यादा मत उठाइए, धीरे से अभी पूर्व स्थिति में आए, श्वास छोड़ते हुए विश्राम। ये आसन अपने पीठ की जो मसल है उसको मजबूत करने के लिए बहुत उपयुक्त आसन है। इसके बाद नेक्स्ट आसन हम करने वाले हैं जिसका नाम है अर्धहलासन। इसके लिए आपको अपने पैर को 90 डिग्री में ऊपर उठाना है, गुड़गे में न मोड़ते हुए, घुटने में न मोड़ते हुए, सांस लेते हुए आराम से दोनों पैर को 90 डिग्री में ऊपर उठाए, तब हाथ अपने बाजू जानवर के बाजू में रहेंगे, वेरी गुड, अच्छी तरह से किया है आपने। श्वास को छोड़ते हुए फिर
पूर्व स्थिति में लाइए दोनों पैर को, और इसको और एक बार दोहराएंगे। चलो शुरू करेंगे, श्वास भरते हुए अर्धहलासन। वेरी गुड, अच्छा किया है सामने। श्वास को अभी छोड़ते हुए धीरे से पैर को झटका न लगे ऐसा आराम से जमीन पे सामान्य स्थिति में ला। इसके बाद ये जो आसन आपने किया, इस आसन का उपयोग मधुमेह पेशेंट के लिए ज्यादातर ये उपयोगी आसन है। इसके बाद नेक्स्ट आसन है जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। ये आसन वात विकारों के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन है। तो इसको करने के लिए आपको दोनों पैर को मोड़ना है। पैर को पकड़ के टोड़ी अपने दोनों पैर के बाजू में लाने की कोशिश करना है। वेरी गुड, हमने अच्छी तरह से किया है। श्वास छोड़ते हुए हमने अभी श्वास लेते हुए फिर सामान्य स्थिति में आए, पैर को सीधा करिए, विश्राम। अब एक बार करेंगे, पैर को फिर बार एक बार मोड़िए, घुटने से पैर को मोड़ के हाथ से पकड़ के श्वास छोड़ते हुए थोड़ी को अपने घुटने के बाजू लाना है, इसकी कोशिश करना है। धीरे से श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आना। अभी लास्ट सबसे एक आसन बचा हुआ है जिसका नाम है शवासन। ज्यादातर लोग ये आसन पसंद करते हैं। इसके लिए ये आसन करने के लिए आपको पैर में दो फीट का अंतर लेना है। दोनों हाथ शरीर के बाजू से हथेलियां ऊपरी दिशा से आकाश की ओर 6 इंच दूरी पर, अपनी गर्दन बाई साइड पे थोड़ी झुकी हुई। अभी 2 या 3 बार आपको लंबा गहरा श्वास लेते हुए पूरा शरीर शिथिल करना है। अपने हाथ जो है बाजू रखना है, हथेलियां आकाश की ओर रहेगी, शरीर से 6 इंच दूर। ज्यादा हाथ दूर करना नहीं, हाथ शरीर के बाजू में होना चाहिए। अभी लंबा गहरा श्वास लेते हुए शरीर को शिथिल करेंगे। हमारे पैर से मस्तिष्क सभी अवयव को हम मन से उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए शिथिल करेंगे। शुरुआत हम हमारे पैर के ऊपर से करेंगे। पैर की उंगलियां उसके ऊपर आप मन से देख लीजिए, उसको पूरी तरह से रिलैक्स करिए। अपने इडिये के ऊपर ध्यान दीजिए, पूरी तरह से रिलैक्स करिए। दोनों घुटने के ऊपर ध्यान देते हुए घुटनों को रिलैक्स करिए। दोनों जांघों पूरा मेरुदंड उसके पूरे स्नायु शिथिल कर दीजिए। दोनों हाथ चेहरे के सभी अवयव को आप शिथिल कर दीजिए, पूरा मस्तिष्क शिथिल कर दीजिए। हमने पूरा शरीर इसी तरह से शिथिल किया है, जो आसनों द्वारा जो ताण आता है उसको रिलैक्स करने के लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। तनाव मुक्ति के लिए, तनाव प्रबंधन के लिए ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अपने शरीर की एक शव जैसी स्थिति हो गई है, पूरी तरह से अपने बॉडी को हमने लेस किया है। अभी फिर से आपको अपने बॉडी में प्राण लाना है, इसलिए आपको दोनों अपने पैर है, पैर को हिलाना है, हाथ को हिलाना है, फिर बाई करवट लेके उठकर बैठना है। अभी तक हमने आप सब तो मुझे लगता है कि प्राणायाम जो है वो जानते हैं। कल आपने जो लेक्चर सुना, कल के जो श्री कुलकर्णी सर का जो व्याख्यान था, उस लेक्चर में आपको अष्ट चक्र में बोला था, अष्ट चक्र के बारे में जानकारी दी थी। कल हमने थियरी पढ़ी, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल जो उन्होंने बोला था कि अष्ट चक्र उसको सक्रिय और संतुलित करने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्राणायाम के द्वारा हम हमारे बॉडी में जो ही हमारा जो सिस्टम है, शरीर में 8 सिस्टम कार्यरत है, जिसमें हमारा पाचन संस्था, चेता संस्था, स्थि संस्था, मज्जा संस्था, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसा 8 सिस्टम है। ये 8 सिस्टम को सक्रिय और संतुलित करने का काम प्राणायाम करता है। इसके अलावा हम अभी देख रहे हैं, हम लास्ट 2 ईयर से हम ऐसी महामारी में से गुजर रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी। इसमें सभी लोग बोल रहे थे अपना इम्यूनिटी बढ़ाए, इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे? अगर हम प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम को दोहराएंगे, तो मुझे लगता है कि ये प्राणायाम द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। इसके अलावा अपना जो आयु है, आयु बढ़ाने के लिए भी प्राणायाम उपयुक्त है। फिर भी अपनी आयु बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है, फिर भी ईश्वर ने हमको जितना दिया है वो वैसे हम निरोगी रूप से जीत सकेंगे, ये हमारा मकसद है। और ये प्राणायाम करने से मुझे लगता है सिद्धासन, पद्मासन और वज्रासन कौशल्य आपको और दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखिए, और जो अपनी मेरुदंड है वो सीधा रखिए। ये सीधा रखने के बाद हमें करना है पहला प्राणायाम, जिसका नाम है कपाल भाति प्राणायाम। तो कपाल भाति प्राणायाम में क्या किया जाता है? श्वास को हम फोर्सफुली बाहर फेंकते हैं, इधर हमारे पेट उधर की जो मांसपेशी है उसको दबाव देते हुए सांस को बाहर फेंका जाता है। किस तरह से वो देख लीजिए आप एक बार। आप देख सकते हैं कि श्वास बाहर जाता है तो पेट में एक हल्का स्ट्रोक बैठ जाता है।
ज्यादातर नाक हो रहा है, क्योंकि करने के लिए माइग्रेन वाले लोग ना नासिका से खून बह रही है तो फिर अल्सर की स्थिति में ये प्राणायाम ना करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अभी कपालभाति प्राणायाम। 3 मिनट के लिए करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम शुरू करेंगे। मेरुदंड सीधा रखे, ध्यान मुद्रा लगा के श्वास को बाहर छोड़ते हुए करते रहेंगे। शरीर को रिलैक्स रखते हुए ये प्राणायाम करना है। इस प्राणायाम द्वारा हम जो अपने पेट पर स्ट्रोक लगाते हैं और नाक से जो वायु बाहर पड़ती है, तो इसके साथ हम शरीर की जो टॉक्सिन्स है वो बाहर फेंकते हैं। हमारी जो पाचन संस्था है, पाचन तंत्र का आरोग्य इस प्राणायाम से उसमें सुधार ला सकते हैं। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए ये प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। वजन कम करने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। 1 मिनट बाकी है, करते रहेंगे सब कपालभाति प्राणायाम। अपनी शरीर की पूरी काया इस प्राणायाम द्वारा हम बदल सकते हैं। भाव पर तेज लाने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 3 मिनट का समय हो चुका है, तो सर अभी रुकेंगे विश्राम। इसके बाद हम अगले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये प्राणायाम करने के लिए आपको दाहिना जो अंगूठा है वो दाहिनी नासिका पे नासिका रंध्र के ऊपर रखना है। फिर बाह्य नासिका से आपको नासिका रंध्र से अब दाहिना नासिका से आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। फिर दाहिना नासिका से लेना है अंगूठे से बंद करके बाही नासिका रंध्र से श्वास को बाहर छोड़ना है। ये हो गया है 1 चक्र। ऐसे हमें आज 3 मिनट में होने वाले चक्र पूर्ण करने वाले करना है। 1 चक्र के लिए 10 से 12 सेकंड लगते हैं। तो चलिए बाया जो अपना हाथ है मुद्रा में रखिए और इसके साथ अभी प्राणायाम को हम शुरुआत करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास को लंबा गहरा सीने में भरना है।
जिस गति से आप श्वास लेते हैं उसी गति से श्वास को बाहर छोड़ते हुए ये प्राणायाम करना है। एक गीत, इस गीत का आनंद लेते हुए दुनिया में प्रतिष्ठित हो अपने अभी बाहरी नासिका रंध्रों से सांस को बाहर छोड़ते हुए इस प्राणायाम को रुकाना है विश्राम। तो आज से हम
इसी प्राणायाम द्वारा किया जाता है, जिससे हम हमारे हृदय का जो कार्य है और पूरी तरह से उसमें सुधार ला सकते हैं। हृदय मस्तिष्क चेता संस्था के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। हमारा जो नकारात्मक भाव है उसमें सकारात्मकता में बदलने के लिए इसका उपयोग होता है और पूरी तरह से हर्षित होने के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम और एक बार दोहराइए, और एक बार विश्वास। ये इसी प्राणायाम के नाम ही है। इससे अलावा जिसको रक्तचाप है वो रक्तचाप कम करने के लिए है। इससे अलावा भूख और प्यास से ऊपर नियंत्रण के लिए ये प्राणायाम महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम करेंगे अगला प्राणायाम जिसका नाम है ब्राह्मणी प्राणायाम। ये प्राणायाम करने के लिए आपको जो अपना तीन उंगलियां है उसको आपके ऊपर रखना है, माथे के ऊपर अंगूठे से कान बंद करना है, दोनों हाथ से करना है, दोनों हाथ से अपना अंगूठे से कान को बंद कर दीजिए। ये जो त्रिपरी भाग है उसको बंद करके ये पोजीशन होगी, आप देख लीजिए। पहला एक बार हम सर करके दिखाएंगे, इसके बाद एक बार देख लीजिए, एक बार करिए। श्वास को भरते हुए डूंगा यानी भ्रमर कहता है, भौरे जैसा गुंजन करना है नास। श्वास को सीने में भरते हुए इसके बाद श्वास को भरते हुए ऐसा हेवी साउंड निकालना है। तो हम करेंगे अभी ये भ्रमरी प्राणायाम 5 बार के लिए। चलो शुरू करेंगे। अंगूठे से कान बंद, फिर शुरू कर रहे हैं 5 बार धीरे श्वास लेते हुए। मेरुदंड सीधा रखे,
आंखें बंद रखिए। अब हम करेंगे 2 या 3 मिनट के लिए प्रणव ध्यान। अभी आपको ध्यास के ऊपर पूरी तरह से लक्ष्य केंद्रित करते हुए ध्यान करना है। मन में कोई विचार ना है, चेहरे पे तनाव ना रहे, पूरी तरह से बॉडी रिलैक्स करते हुए विचार मन में आते हैं उसको आने दीजिए। खाली अपने श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए करेंगे। इससे पहले हमने जो प्राणायाम किया भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम का ध्यान है, ये अपना एकाग्रता बढ़ाने के लिए, मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही उपयुक्त प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम में हम जो हमारा मस्तिष्क में जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं उसके द्वारा अपना सहस्रनाम चक्र है, अपनी चेता तंत्र है, वो मजबूत और आरोग्य पूर्ण करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आधार संस्थान के इस ऑडिटोरियम से हम आज ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के अवसर पर जो उसमें से अभी हमारा जो पार्टिसिपेशन है संस्थान का दे रहे हैं, आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, ये ध्यान कर रहे हैं। अभी आपको दोनों हाथ को ऊपर लेके एक साथ खींच के रगड़ कर आंखें ऊपर चेहरे के ऊपर रखना है और रुकना है। आज हमने जो ये योग सत्र लिया इसमें बहुत कुछ यानी शिथिलीकरण से लेके हम ध्यान तक पहुंचे और आज अभी संतुलन बनाए रखूंगा, ऐसी मनस्थिति
मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समुचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के लिए कृत संकल्प हो, ऐसा संकल्प लेते हुए शांति पाठ करेंगे। आप नमस्कार के दिन ही रखिए। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् शांति 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 शांति। बंद करें, चलो बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ओम प्रणाम। आज ये इसी सत्र का इधर ये समापन होता है और आज ये समापन करते हुए आज अपने संस्थान ने हमें आपकी सेवा करने का आज जो अवसर दिया है, इसलिए मैं अपने निदेशक महोदय, फिर हमारी जो कमेटी है, कमेटी के नोडल ऑफिसर वंदना मैडम, इसके बाद नमस्ते। आज का हमारा आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अनुसंधान संस्थान में मनाया जा रहा है। इस दिवस को एक विशेषता है, हम तो केवल 21 जून को होता है इतना ही मालूम रखते हैं, लेकिन उसका कारण यह है कि आज सबसे लंबा दिन होता है और छोटी रात। इसका कारण है कि भूगोल में हमने पढ़ा है कि 21 जून को सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सबसे आगे की स्टेज पर पहुंचा हुआ होता है, तो उसके वजह से हमारे गुजरात राज्य
और फिर इसी का चक्र परिचालन होते रहता है और इसलिए इस दिन को विशेष महत्व है और आज से दिन छोटा होने लगता है। आप अगर देखेंगे कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक करीब 13.25 घंटे 13 घंटे 20 मिनट तक ये दिन लंबा होता है। कुछ दिनों के बाद मतलब विशेषता सितंबर के बाद ये दिन की लंबाई बहुत ही छोटी होने लगती है। तो ये बात हुई भूगोल से रचना की 21 जून की। और महाभारत में भी भीष्म पितामह उन्होंने मृत्यु शैया पर मेरा मृत्यु उत्तरायण में होना चाहिए इसलिए मृत्यु शैया पर काफी दिनों तक अपना प्राण नहीं छोड़ा था, उत्तरायण में ही होना चाहिए इसलिए पड़े रहे। तो ये माइथोलॉजी की बात हुई। अभी इसका और योग का क्या संबंध है? तो अभी से जो सीजन चालू होता है बारिश का सीजन, उसमें हमारी पाचन संस्था थोड़ी वीक होने लगती है और उसके कारण कई व्रत का पालन किया जाता है। योग में हम काफी बार सुन चुके हैं कि उसे अष्टांग योग कहते हैं। यह अष्ट अंग जो है 8 अंग है, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम और 4 जो है वो प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये 4 अलग होते हैं, पहले के 4 और दूसरे के 4 मिला के 8 अंग होते हैं जिसको अष्टांग कहते हैं। और विशेषतः हम जो आसन करते हैं वो आसन एक ही प्रकार है, अष्टांग में से एक अंग है। और अष्टांग योग करते हुए हमें सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान पर को थोड़ा बिगाड़ दिया है। ये हमारा युज, युज मतलब योग, मतलब अपने शरीर को और मन को साथ में जोड़ना है, तभी योग होता है। और ये योग होने के लिए अपना मस्तिष्क शरीर एक होना चाहिए। हम जब आसन करते हैं तो मन में काफी विचार आते हैं और हम घूमने भटकने जाते हैं और यहाँ कुछ तो सुनते हैं और पैर उठाओ हाथ उठाओ इधर देखो ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मन मस्तिष्क और शरीर एक साथ जब काम करेंगे तभी हम उसके योग के फल प्राप्त करेंगे। अक्सर ऐसे भी होता है कि हमारे यहाँ पर ध्यान नहीं रहने से शरीर से हम इधर उपस्थित रहते हैं और मन से कहीं और चले जाते हैं। तो इसका हमें ध्यान देना होगा कि ये दोनों को हम अगर मिलाते हैं तो हमारी क्षमता भी बढ़ती है और कम से कम समय में हम ज्यादा कुछ काम कर सकते हैं, अन्यथा कोई काम दोबारा दोबारा हमें करना पड़ता है, उसका कारण यही है। तो योग केवल आज ही के दिन करना है, आसन करने से योग समाप्त होता है ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे लिए 24 घंटों की होनी चाहिए, तभी हमारा मस्तिष्क भी शांत रहे। और कल से आज तक डॉक्टर बोर्डर नयन कुमार रोहन दिनेश जी ने महत्वपूर्ण कार्य भी किया है और आप सभी ने इसमें बड़ी मात्रा में शामिल होकर इस कार्यक्रम को का प्रबंध भी हुआ है, कृपया स्वीकार करें और उसके बाद ही ये कार्यक्रम समाप्त होगा। धन्यवाद, नमस्ते।